मुझे बहुत तेज ठंड लग रहा है, मेरे हाथ पैर सुन्न हो चुके हैं। अगर मैंने जल्दी से अपने हाथ नहीं सेके आग में तो मैं पक्का बीमार पड़ जाऊंगा। ये जो सेंटेंसेस मैंने अभी आपके सामने बोले हैं हिंदी में, इन्हें अंग्रेजी में अगर मुझे बोलना होगा तो मैं ऐसे बोलूंगा, आई एम फीलिंग कोल्ड, माई हैंड्स एंड लेग्स आर नम, या फिर माई होल बॉडी इज नम। इफ आई डोंट वार्म माई हैंड्स एंड बॉडी आई डेफिनेटली फॉल इल। दोस्तों, ठंड में जो वर्ड्स, सेंटेंसेस या फ्रेजेस हमें यूज करना होता है, उनमें से बहुत कम की हमें जानकारी होती है, और जब बोलने की वक्त आती है, जब बोलने का समय आता है, तो हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इस वजह से हमें कई बार शर्मिंदगी महसूस होती है। तो इन दिस वीडियो टुडे, व्हाट आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल टीच यू ऑल द वर्ड, सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस व्हिच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर सीजन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। Hi there, welcome to My Career Doctor. Do I am the best I can do. I am the best I can do. Actually, I'm interested to talk to you. I'm very bad. I don't I'm very sense. poor, ma'am. Please give me some money for it. Oceans apart, day after day. Those who want to be rich, now they have a very different and distinguished mindset. If you won't be an actor, then what you will do? Why I always compromise? But through the darkest of days, heaven's heartbreaker. What do you do? I'm an architect. You're yes. a teacher. Yes. That's exactly. Very nice. And in future, I also want to be a teacher. Poor people invest in liabilities, but rich people invest in assets. मैं वही सामने में, पीछे में ही आप बना लीजिएगा. While ready. नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह आजाद और आप देख रहे हैं माय केयर डॉक्टर। दोस्तों, विंटर सीजन में जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, उनमें सबसे पहला है विंटर। ये दिख रहा है आपको, विंटर यानी ठंड और सर्दी। कोल्ड का मतलब भी होता है ठंड और सर्दी, लेकिन जब आप मौसम की बात करेंगे तो आप विंटर ही बोलेंगे। इट्स कोल्ड सीजन नहीं बोलेंगे, इट्स कोल्ड। ठंड है, सर्दी है, तब आप बोल सकते हैं। वैसे मौसम को बताने के लिए आप विंटर बोलेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अंग्रेजी सीखने के लिए ना आपकी एक्टिव रिकॉल एक प्रोसेस होती है। जब आप सुनेंगे इस वक्त, यू आर लिसनिंग टू मी, इट मींस आपकी लिसनिंग इम्प्रूव हो रही है। लेकिन बोलना तभी आएगा जब आप बोलेंगे। तो मैं जो सेंटेंसेज आपको बता रहा हूँ, वर्ड या फिर फ्रेजेस, आप इनको मेरे बाद रिपीट करिएगा। पॉज करके वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद रिपीट करिएगा, इन वर्ड्स को लिख लीजिएगा। ये पूरे एक, ये जितने भी वर्ड्स या टर्म्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर जो टेलीग्राम चैनल है माई करियर डॉक्टर के नाम से, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं इसे शेयर कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ताकि आपके पास आ जाए। याद करके इसको सुनिएगा, मेरे साथ रिपीट करिएगा, तो आपकी आपकी जो प्रैक्टिस है ना, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इट्स विंटर सीजन, या फिर आप बोलते हैं ना कि ठंड का मौसम आ चुका है, तो वैसे तो अराइव हम बोलते हैं, बट नेटिव स्पीकर्स को भी मैंने सुना है कम, विंटर सीजन हैज कम या फिर इज कमिंग, आ रहा है। वैसे अराइव का यूज होता है, तो आप कम और कमिंग भी बोल सकते हैं। तो देख लीजिए, विंटर इज अराइविंग, सर्दी या फिर सर्दियां आ रही है, ठंड का मौसम आ रहा है। Winter has arrived. ये tense की बात है, tense आपको आता ही है, सर्दियाँ आ चुकी है। Winter comes now. ये आपके ऊपर depend करता है, इसे आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। अगला एक बहुत अच्छा phrase है, harsh cold या फिर extreme cold. कुछ जगहों पे harsh winter नहीं बोलेंगे आप, cold, harsh या फिर extreme cold, कड़ाके की ठंड, जब बहुत तेज ठंड हो जाए, जैसे कि अभी है, ये जनवरी का महीना है, 20-21 तारीख है, बहुत कड़ाके की ठंड है बिहार में। तो एट दिस टाइम ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड, एट दिस टाइम यानी इस वक्त जो एक्सट्रीम कोल्ड है, मेनी पीपल आर होमलेस, बहुत सारे लोग क्या है, होमलेस है, बिकॉज देर इज एक्सट्रीम कोल्ड इन बिहार, आई मीन बिकॉज देर इज एक्सट्रीम कोल्ड इन द फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, सो यू आर एडवाइज्ड टू स्टे होम एंड
रैप योर बॉडी, ड्रैप योर बॉडी, आई बेग योर पार्डन, अपने बॉडी को क्या कर ले, कवर कर ले, लपेट ले, या फिर कवर योर बॉडी, कवर योर सेल्फ। तो हार्श कोल्ड बोले या एक्सट्रीम कोल्ड बोले, इसे भी आप समझ गए कि अंग्रेजी में यूज कैसे करना है। थंबनेल पे लिखा है कि भाई 100% अंग्रेजी घर बैठे तभी सीख पाएंगे जब आप एक्टिव रिकॉल को फॉलो करेंगे। सिर्फ आप यूट्यूब पर वीडियोज देखेंगे मेरी तरह यूट्यूबर्स के, तो शायद आप सिर्फ देखेंगे और बाद में भूल जाएंगे, लेकिन आप इसको रिपीट भी करेंगे, क्योंकि मैं आपको मटेरियल भी दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, या तो पीडीएफ में या फिर वैसे ही रख दूंगा, और आपको मैं ये मटेरियल टेलीग्राम चैनल पे भी देख रहा हूँ। याद करके आप इन्हें यूज करिए ठंड में, कोल्ड, ठंड, ठंडी, सर्दी या फिर जुकाम होता है कोल्ड का मतलब। तो अब आप बोलेंगे कि भाई विंटर का मतलब भी होता है, तो विंटर सीजन के लिए और सिचुएशन बताने के लिए कोल्ड, इट्स कोल्ड टुडे, आज क्या है, ठंड है, इट्स कोल्ड टुडे, आज क्या है, ठंड है, आज बहुत ठंड है। तो आप क्या बोलेंगे, इट्स वेरी कोल्ड टुडे, इट्स वेरी कोल्ड टुडे, इट्स वेरी कोल्ड टुडे, क्या बोलेंगे आप, इट्स वेरी कोल्ड टुडे, इट्स वेरी कोल्ड टुडे, आई होप यू गेट इट गाइज। अच्छा अगला देख लीजिए, फील कोल्ड या फिर कॉट बाय कोल्ड, सर्दी लगना। देखिए फील कोल्ड को हम कैसे यूज करेंगे, जैसे कि मुझे ठंड लगती है या मुझे सर्दी लगता है, आई फील कोल्ड, या लग रहा है तब भी आप इसे बोलेंगे, या फिर आई एम फीलिंग कोल्ड, दोनों करेक्ट है, या कॉट बाय कोल्ड, ही इज कॉट बाय कोल्ड, उसे क्या हुआ, ठंड लग गया है। आप बोलेंगे ना इंग्लिश में कि उसे ठंड लग गया है, तो ही इज कॉट बाय कोल्ड, या ही इज अंडर द वेदर, उसे सर्दी, ये काफी पॉपुलर नहीं है, ही इज कॉट बाय कोल्ड, और फील कोल्ड ये बहुत ज्यादा, ही फील्स कोल्ड, या फिर ही इज फीलिंग कोल्ड, आई फील कोल्ड, या आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे सर्दी लग गया है, ठंड लग गया है, या ठंड लग रहा है, इन सब की इंग्लिश क्या हो जाएगी बाबू, फील कोल्ड यूज करिएगा। और सेंटेंसेस को ये सीखिए कि कैसे प्रेजेंट में, फिर पास्ट में और फ्यूचर में उसको अच्छे से क्या करना है, यूज करना है। आई होप यू गाइस गेट इट। एक बहुत अहम चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 फरवरी से जो हमारा क्लास स्टार्ट होने जा रहा है स्पोकन इंग्लिश की, जिसमें हम 5 दिन आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए मौका देते हैं और 3 दिन आपको साथ में ग्रामर भी मिलता है MWF को, मंडे वेंसडे और फ्राइडे को, और मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को स्पीकिंग प्रैक्टिस 4 टाइम, सुबह 7 बजे, 11 बजे, 4 बजे दोपहर शाम को, और 9 बजे रात को, इन चारों में से कोई एक टाइम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने समय के हिसाब से, और 3 दिन ग्रामर आपको मेरे साथ होती है। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दिया गया है, यहाँ स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है, मैं बता देता हूँ एक बार, ये है 9958567745 पे कॉल करिए, नंबर स्विच ऑफ हो या नहीं लगे या बिजी जाए तो व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप फी भी डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है, आप यहाँ कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। 1 फरवरी से बैच स्टार्ट होने जा रहा है, वैसे हमारे यहाँ बैच पहले से भी चल रही है, फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं जिसमें बिल्कुल बेसिक से आपको अंग्रेजी सिखाई जाएगी। एक कंडीशन, अगर आपकी बेसिक ठीक ठाक है तभी आप एडमिशन लीजिए, पढ़ लेते हैं कम से कम थोड़ी बहुत चीज़ें समझ जाते हैं तो आपके लिए बेटर होगा, अन्यथा नहीं, या फिर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तब भी एडमिशन मत लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं बाबू, ये है फायरप्लेस और बॉनफायर, इन दोनों में क्या फर्क है। देखिए बॉनफायर तो होता है बाहर में जो हम उलाव लगा लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अलाव या आग जो हम लगा लेते हैं उसे फायर भी, मैंने काफ़ी रिसर्च किया इस पर कि फायर, फायर का मतलब आग, अब जंगल में भी आग लग गई वो भी फायर, और आप जो जलाते हैं उसको भी फायर, लेकिन बॉनफायर का मतलब हुआ बाबू ये जो आप बीच में उलाव नहीं लगा देते, चारों तरफ से लोग बैठे रहते हैं बीच में आग जमा कर, लेट्स सेट फायर, यू गेटिंग दिस ना, सेट फायर, मैंने आपसे बोला कि हे आग लगाओ ना भाई, प्लीज सेट फायर, आग लगाइए, या लेट्स गो टू सेट फायर, चलो आग लगाते हैं, लेकिन इसको बॉनफायर, जैसे कि हम लोग आग के चारों तरफ हैं, वी आर सेटिंग अराउंड द बॉनफायर, हम लोग आग के चारों तरफ क्या है बैठे हुए हैं, वैसे आप फायर या फिर फायर्स भी चाहें तो बोल सकते हैं इसको। अच्छा फायरप्लेस का मतलब होता है अंगीठी, ये दिख रहा है आपको, घर में ही ऐसा सिस्टम बना दिया जाता है, बाहर चिमनी निकलने धुआं के जरिए वो निकलता है जिसमें आप हाथ सेकते हैं, तो नीचे क्या है, वार्म द हैंड्स, वार्म द हैंड्स, अगर हमको ये बोलना हो कि मैं अपने हाथ ताप रहा हूं, आई वार्म माई हैंड्स, या आई वार्म द हैंड्स, हे गाइस लेट्स सेट अराउंड द बॉनफायर
एंड वार्म आवर हैंड्स. चलिए बॉन फायर के चारों तरफ हम बैठते हैं, या लेट्स सेट अराउंड द फायर, या फिर फायर सा बोल, लेट्स सेट अराउंड द फायर एंड वार्म आवर हैंड्स. और अपने हम क्या करते हैं, हाथ सेकते हैं. Warm the hands. He is warming the hands. वो अपने हाथ सेक रहा है. She is warming the hands. They have warmed the hands. उन लोगों ने हाथ सेक लिया है. तो ये आपको use आना चाहिए proper, कि आपको इसको use कैसे करना है. अगला है shiver या फिर shudder. Shiver या फिर shudder, कप कप आना. ठंड से जब आप कप कप आते हैं ना, he is shivering, he is shuddering. I'm shivering with cold. मैं ठंड से कप कपा रहा हूँ या मैं कप रहा हूँ. I'm shivering with cold. ये देख लीजिए, I'm shivering with cold. मैं ठंड से काँप रहा हूँ. I'm shivering with cold. यहाँ winter नहीं बोलेंगे, shiver. He is shivering, she is shivering, they are shivering. I shiver with cold. मैं ठंड से काँपता हूँ. ठंड के मौसम में मैं ठंड से काँपने लगता हूँ. I begin to shiver in winter season. यहाँ cold नहीं बोलेंगे. I begin to shiver with cold in winter season. I hope you understand this very well. कैसे हम use करते हैं cold wind, ठंडी हवा. देखिए cold wind क्या, जब जैसे कि अभी बाहर आप निकले तो ठंडी हवा भी आपको दिखेगी, जिसमें कानों में आपके you know सटासट हवा का असर होता है, ज़्यादा ठंड लगती है. ठंड एक होता है, उसमें ठंडी हवा, cold wind. There is cold wind outside, so please don't move. मैं आपको हिदायत दे रहा हूँ, there is cold wind outside, so please don't go. And if you go, please cover up yourself properly. अपने आप को पूरी तरीके से क्या कर लीजिए, wrap with woolen clothes and you know hat, use woolen cap as well. Then go outside. ये सब मैं आपको बोल रहा हूँ. Fog. अच्छा fog ये दिख रहा है आपको, जिसमें bikes तो है लेकिन clearly नहीं दिख रहा है. अच्छा fog के साथ साथ एक और word होगा cold wave. कोल्ड वेव का मतलब होता है बाबू शीतलहर. तो ये जो फॉग है, फॉग जब काफी, एक तो थोड़ा भी हो तो फॉग उसको आप बोलेंगे फॉग, जब बहुत ज्यादा उसको डेंस फॉग कहते हैं, बहुत घना फॉग हो तो उसको आप कोल्ड वेव या कोल्ड स्नैप कह सकते हैं. देर इज फॉग आउटसाइड. इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड दिसंबर लास्ट यू सी देर इज फॉग ऑल अराउंड. आप चारों तरफ क्या देखते हैं, कोहरा या फिर धुंध देखते हैं बाबू. अच्छा कोल्ड वेव या कोल्ड स्नैप, शीतलहर या डेंस फॉग को ही, जब फॉग बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको हम कोल्ड वेव या फिर कोल्ड स्नैप कहते हैं. सेवरल ट्रेन्स वर डिलेड. बहुत सारे ट्रेन्स फ्लाइट्स भी लिख सकते हैं डिलेड बिकॉज ऑफ द डेंस फॉग या फिर बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेव. यू नो देयर इज स्कूल्स इन दिल्ली गॉट क्लोज्ड बिकॉज ऑफ कोल्ड वेव या फिर फॉग. ये डेंस फॉग भी लिखा जा सकता है. ये न्यूज़पेपर में ये वर्ड्स या फिर ऐसे फ्रेजेस लिखे जाते हैं. अगला वर्ड है स्नो. ठंड में भी होता है और वैसे भी कई जगहों पे होता है, शिमला वगैरह में. स्नो नाउन के रूप में बर्फ और वर्ब के रूप में बर्फ गिरना होता है. इट स्नोज आउटसाइड द होम्स ऑफ शिमला. शिमला के घर के बाहर काफ़ी बर्फ गिरता है और स्नोफॉल का मतलब बर्फबारी. ये दिख रहा है आपका, ये स्नोफॉल ही है, दिख रहा है. इट स्नोज और इट स्नोज हैविली और there is snowfall outside home, so please don't go. Snowfall, बर्फबारी, दिख रही है आपको, very nice. अच्छा एक word होता है, देख लीजिए, snowflake. Snowflake का मतलब क्या होता है, बर्फ का छोटे छोटे जो टुकड़ा होता है ना, जो गिरता है नीचे, वो टुकड़ा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, snowflake, बर्फ का टुकड़ा, snowflake, उसको हम क्या बोलते हैं, snowflake, क्या बोलते हैं हम उसको, स्नोफ्लेक, राइट. और स्नोबॉल आप देखेंगे जब बर्फ बहुत ज्यादा, ये मान लीजिए ये स्नोफॉल हुआ और जो बर्फ गिरे उसको आपने क्या किया, बाद में उठाकर ऐसे बॉल बना दिए, तो उसको आप क्या बोलेंगे, स्नोबॉल. हे आई हैव मेड अ स्नोबॉल, मैंने एक बर्फ का गोला बनाया. वुड यू लाइक टू प्ले यू नो बैट बॉल विद दिस और क्रिकेट विद दिस, यस श्योर, थैंक यू. अगला है बाबू स्नोमैन, बर्फ का पुतला, जो आप देखेंगे लोग ऐसे ही मजाक में क्या करते हैं, सर पे हाथ मैंने बना दिया. स्नो स्टॉर्म, बर्फ का तूफान, बहुत तेजी से जो तूफान होता है. बर्फ स्नोफॉल तो हो ही रहा है और स्नो स्टॉर्म बहुत हैवी, मैंने आज तक कभी देखा नहीं है. स्नो ब्लैंकेट और बर्फ की चादर जो पड़ जाती है पूरे सतह पे, उसे हम कहते हैं. यह है ड्यू. ड्यू का मतलब होता है ओस, माउंटेन ड्यू, ये आपने सुना भी होगा. ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंद, ये भी आप जानते हैं, ओस की बूंद.
क्या होती है। अच्छा, फॉग यानी कोहरा, कुहासा और स्मोक धुआं दोनों मिलके बनाता है स्मॉग। ये देख लीजिए, दिल्ली का इंडिया गेट है और धुआं वाला कोहरा, कोहरा तो है लेकिन उसमें धुआं है, जो दिवाली छठ के बाद आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर में काफ़ी ज़्यादा स्मॉग आ जाता है। इसमें फॉग भी है और स्मोक भी है, यानी धुआं भी है और कुहासा भी है, कोहरा भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉग, धुआं वाला कोहरा। ये दिख रहा है आपको, ये धुआं वाला, ये पॉल्यूशन होता है इसमें। एंड इट्स एडवाइजेबल टू वियर मास्क एंड फील प्रोटेक्टेड, टेक प्रिकॉशंस व्हेन यू गो आउटसाइड होम एंड ऑल, क्योंकि दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। फ्रीज का मतलब होता है बाबू जमना, और नम का मतलब शून्य और शून्य हो जाना, जैसे कि माई हैंड्स गेट नम इन द मंथ ऑफ जनवरी ऑफ विंटर सीजन। ऑफकोर्स विंटर में ही जनवरी आता है, मेरे हाथ क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, इट नम्स ऑटोमेटिकली, नम। अच्छा, बी साइलेंट होता है बाबू, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नम, इट नम्स, माई हैंड्स आर नम, हाथ क्या हो गए, शून्य। फ्रीज का मतलब जमना, नम का मतलब शून्य हो जाना, फ्रीज का मतलब ऐसा फ्रीज यहीं पे जम गया, बर्फ की वजह से भी जम जाते हैं, फ्रीज होता है ना रेफ्रिजरेटर वहां पे, तो फ्रीज का मतलब क्या हो गया बाबू, जमना, जमना। आई होप ही गॉट इट, गेट्स फ्रोजन। फ्रीज का क्या होता है बाबू, फ्रोज, राइट, इट फ्रीजेस लाइक वाटर फ्रीजेस एट दैट टेम्परेचर, ऐसे करके आप क्या करेंगे इसको यूज करेंगे। चैटर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, किटकिटन। आप देखेंगे ठंड की वजह से माई टीथ आर, टूथ तो सिंगुलर होता है और टीथ क्या होता है, प्लूरल, तो माई टीथ आर चैटरिंग, यू नो, व्हेन इट गेट्स टू मच कोल्ड माई हैंड्स गेट नम एंड एन टीथ बिगिन टू चैटर, मेरे हाथ शून्य हो जाते हैं और जो दांत हैं ना वो किटकिटाने लगते हैं, राइट। अगला है गूजबम्स। गूजबम्स क्या होते हैं, हाथ में जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना बाबू, उसको हम कहते हैं द मेमरी ब्राउट गूजबम्स टू हर, कुछ यादें ऐसी है जो उसके क्या हो गए, गूजबम्स हो गए, उनके हाथ में गूजबम्स होते, रोंगटे खड़े हो जाना, उसको हम कहते हैं गूजबम्स, गूजबम्स। कोई चीज़ याद आए तो रोंगटे खड़े हो गए, देश की बात आए, देश की शान शौकत की बात आए, राष्ट्रवाद की बात आए, तो आपको गूजबम्स होने लगते हैं। यहाँ देखिए गूजबम्स या फिर गूज पिंपल्स भी कहते हैं, दिख रहा है आपको हाथ में इस तरीके से रोंगटे, आई गेट गूजबम्स, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ड्राई स्किन, सूखी त्वचा। अच्छा, चैप का मतलब होता है फटना या चटकना, लाइक माई लिप्स गेट चैप्ड और चैप्ड लिप्स, माई लिप्स आर चैप्ड और चैप्ड लिप्स का मतलब क्या हुआ, फटे हुए होंठ, माई लिप्स आर चैप्ड और माई लिप्स गेट चैप्ड इन विंटर सीजन, ठंड में मेरे जो होठ हैं वो क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, ड्राई स्किन, रुखी त्वचा, चैप, फटना या फिर चटकना, इट चैप्स, चैप्ड स्किन, फटी हुई त्वचा, चैप्ड लिप्स, फटे हुए होंठ। बास्क का मतलब होता है धूप सेकना, लेट्स गो टू बास्क, चलिए धूप सेकते हैं ठंड के टाइम में 8-9 बजे, जनवरी में तो नहीं, दिसंबर में, फिर फरवरी में जो धूप आता है, लेट्स गो टू बास, चलिए धूप से। एक और वर्ड होता है सन बाथ, सन बी ए टी एच ई बेथ, सन बेथ, आई एम सन बाथिंग, मैं धूप में नहा रहा हूँ, इसका मतलब मैं धूप सेक रहा हूँ, राइट, ये भी आप यूज करेंगे गाइस। अच्छा, ड्रेप, ओढ़ना, ये सब तो हम जान लीजिए, मान लीजिए हमको सॉल ओढ़ना है तो हम कैसे बोलेंगे, ड्रेप योर सॉल या ड्रेप द सॉल, ड्रैप द सॉल, कवर योर बॉडी विथ अ सॉल या फिर सामने में है तो विथ द सॉल, कवर भी आप बोल सकते हैं सिंपली, लेकिन ड्रैप इज अ बेटर वर्ड, ड्रैप योर सेल्फ या ड्रैप योर सॉल या कवर योर बॉडी, रैप अप द सॉल, ड्रैप द सॉल ओवर योर बॉडी, यू गेटिंग दिस, ड्रैप द सॉल ओवर योर बॉडी या ड्रैप द सॉल अराउंड योर बॉडी, आई होप यू गेटिंग। हाइबरनेट, हाइबरनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, बेसिकली कुछ जानवर क्या होते हैं, वो सुस्त हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर मौसम में खाना खाते हैं और कुछ मौसम में वो आराम करते हैं अपनी मांद में, अपनी बिल में, तो उसको हाइबरनेशन कहा जाता है उस प्रोसेस को। आदमी भी हाइबरनेट करने लगते हैं, घर में सुस्त हो जाते हैं, तो टू बी इनएक्टिव जब आप हो जाते हैं, स्लीप ड्यूरिंग विंटर, सुस्ती में जा रहा बिताना।
अब देखिए, द इंसेक्ट्स फ्रिक्वेंटली हाइबरनेट इन वार्म हाउसेज, जो गर्म जगह होते हैं उसमें इंसेक्ट्स क्या होते हैं, हाइबरनेट करते, सुस्त हो जाते हैं, एंड मेनी बाइट ड्यूरिंग द विंटर एंड मे बाइट, और ठंड के टाइम में ये क्या कर सकते हैं, आपको काट सकते हैं, यानी क्या होता है कि गर्मी के मौसम में क्या होते हैं कि गर्म वाले घर में ये आराम करते हैं और ठंड में ये आपको काट भी सकते हैं। अच्छा, डोंट हाइबरनेट दिस विंटर, इस विंटर आप सुस्त मत हो जाइए, इनएक्टिव मत हो जाइए, क्योंकि ठंड जैसे ही आता है हम लोग आराम से घर पे रह जाते हैं और कुछ नहीं करते। ज्वाइन माई करियर डॉक्टर टू लर्न इंग्लिश, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप 9958567745 पे कॉल करिए, नहीं तो व्हाट्सएप करिए। आपको 1 फरवरी से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें एडमिशन ले लीजिए और कुछ अच्छा करिए, अंग्रेजी सीखिए। यू हाथ पे हाथ धरे रहें से कुछ फायदा नहीं, फी भी हमारा बहुत अफोर्डेबल है, कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा लगता है, बट ट्रस्ट मी इससे सस्ता आपको नहीं हो सकता। राइट, अगला है ईयर मफ। ईयर मफ का मतलब कनटोप, ये दिख रहा है आपको कान में, लेकिन कुछ स्टाइलिस्ट लोग जिससे कि बाल ना खराब हो, चूंकि कान में ही ठंड लगती है तो ऐसे लगा लेते हैं कनटोप, दिस इज कॉल्ड ईयर मफ। हे प्लीज वियर पहनिए द ईयर मफ, ईयर मफ या ईयर मफ्स भी, चूंकि दो है ना, तो ईयर मफ्स जैसे पैंट्स, ट्राउजर्स, लोअर्स, निकर्स, तो उसी तरह ईयर मफ्स भी आप इसको कह सकते हैं, या होता भी है। स्वेटर को आप यू नो ब्रिटिश इंग्लिश में जंपर भी बोलते हैं, अमेरिकन में स्वेटर बोला जाता है, स्वेटर आप जानते हैं, जैकेट कहने की जरूरत नहीं, मफलर या स्कार्फ, सॉल, ग्लव्स, विंटर कैप जो टोपा होता है, विंटर कैप टोपा पहनते हैं, विंटर कैप, वार्म क्लोथ्स गर्म कपड़े, कोल्ड मीन्स रजाई, मैट्रेस मीन्स गद्दे, ब्लैंकेट आपको मालूम ही है, कूल वूल रुई होता है, कॉटन फिलिंग रुई भरवाना होता है। सो दिस इज हाउ आई जस्ट वांटेड टू टीच यू दीज इंग्लिश वर्ड्स रिलेटेड टू विंटर, एंड आई एम श्योर जो ये वर्ड्स मैं आप लोगों को सिखाना चाहता था ये आप सीख गए हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। विंटर सीजन में बोले जाने वाले तकरीबन जितने भी टर्म्स हैं वो मैंने आपको बता दिए, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की नहीं, बट येस विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स फ्रेजेस एंड सेंटेंसेज ऑफ कोर्स यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और हमारा दूसरा भी चैनल है जिसका नाम है शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत, इसी चैनल के लिंक में आपको मिल जाएगा, या कम्युनिटी और चैनल में आप जब जाएंगे तो क्लिक करके आपको मिल जाएगा। बिल्कुल बेसिक से आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आप क्लिक करिएगा स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, 125 वीडियो है वहाँ आप देख सकते हैं, इंटरव्यूज के लिए भी मैंने बनाए हुए, करियर काउंसलिंग के लिए भी बहुत सारे वीडियोज, बिहार बोर्ड के लिए टेंसेज अलग है, उसके बाद 21 डे स्पेशल लॉकडाउन चैलेंज जो पिछले साल हमने शुरू किया था जिस चीज़ को, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी हैं। तो इन शॉर्ट आई हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस, बट वंस अगेन आई मेक डिफरेंट आई मीन ऑल द वीडियोस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर यू गाइस, एंड थैंक यू वेरी मच अब तक साथ देने के लिए। उम्मीद है कि हम लंबी पारी खेलेंगे और इसी तरह साथ निभाएंगे। होप यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, इफ यस कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट लाइक ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।